जय श्री महाकाल। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष में। आज हम बात करने वाले हैं यज्ञ आदि या धार्मिक अनुष्ठान में या धार्मिक कर्म में, पूजन पाठ, रुद्राभिषेक इत्यादि में क्या हम अपनी जगह किसी और से पूजन करवाकर उसका फल प्राप्त कर सकते हैं? क्या कर्म में हमारी अपेक्षा हम अपने किसी प्रतिनिधि को बैठाकर धार्मिक अनुष्ठान आदि को संपन्न कराते हैं तो उसका फल हमें मिलता है या नहीं मिलता, या फिर किन स्थिति और परिस्थिति में हम किसी दूसरे के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं? इन सभी विषयों के विषय में मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूं और जो बात होगी वो शास्त्रोक्त प्रमाण के आधार पर होगी। जो शास्त्रों से लिए गए प्रमाण हैं उन्हीं के आधार पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस चर्चा के विषय में हम बात करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले जो वीडियोज हैं उनके सारे नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से और सुलभता से प्राप्त हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इस संबंध में शास्त्रों में लिखा है, काम्ये प्रतिनिधिर्नास्ति नित्ये नैमित्तिके चसा। इसका अर्थ हुआ, नित्य कर्म एवं नैमित्तिक कार्यों में प्रतिनिधि ग्राही है। नित्य कर्म में या नैमित्तिक जो कार्य होते हैं उन कार्यों में हम किसी अन्य के द्वारा अनुष्ठान को संपन्न करा सकते हैं, उसका फल हमें या जिसके प्रति हम उस अनुष्ठान को कर रहे हैं उसे प्राप्त हो जाता है नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म में। परंतु शास्त्र ने इस विषय में स्पष्ट रूप से कहा है, काम्य प्रतिनिधिर नास्ति, मतलब काम्य प्रयोग में प्रतिनिधि नहीं चलता है। अगर आप किसी कामना विशेष के लिए कोई अनुष्ठान संपन्न करना चाहते हैं या कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो ऐसे काम्य प्रयोग में, कामना परक प्रयोगों में स्वयं को धार्मिक कर्म, पूजन हवन आदि कर्म करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का निर्देश है। अब आगे हम इस विषय में और चर्चा करते हैं, क्या किसी अन्य के द्वारा पूजन करने से हमें उसका फल मिलता है या नहीं मिलता, या फिर किन लोगों के द्वारा हम अपने अनुष्ठान को संपन्न करवा सकते हैं? इस संबंध में शास्त्रों में कहा है, असमर्थे शरीरस्य व्रते तु समुपस्थिते कारयेत धर्मपत्नीं वा पुत्रं वा विनयान्वितं भगिनीं भ्रातरं वापि व्रतमस्य न लुप्यते। जब हमारी कुछ स्थिति ऐसी हो कि हमें किस कोई रोग परेशान कर रहा है, हम रोगी हैं, शरीर से नहीं बन रहा है, कर्म करने की क्षमता नहीं है, तो इन परिस्थिति में या किसी अन्य कारण विशेष के कारण या परदेश में होने के कारण या ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें आप अनुष्ठान संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में अपनी धर्मपत्नी से या अपनी आज्ञा मानने वाले पुत्र से, अपनी बहन से और अपने भाई से धार्मिक अनुष्ठान व्रतादि कर्म संपन्न करावें। इस प्रकार किए जाने से आपको संपूर्ण उस कर्म का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु यहां भी स्थिति नित्य और नैमित्तिक काम्य कार्य के कार्यों के लिए है। काम्य प्रयोग
स्वयं को ही करना पड़ता है। अब हम किन किन लोगों को प्रतिनिधि बनाकर पूजन कर सकते हैं, इस संबंध में शास्त्रों में लिखा है, स्मृत्यर्थ सार में लिखा है, ऋत्विक शिष्यो गुरुर्भ्राता भागिनेयः सुतः पति एतरैव हुतं यच्चो तद हुतं स्वयमेव तु। ब्राह्मण के द्वारा, अपने शिष्य के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा, भाई के द्वारा, भांजे के द्वारा और जमाता दामाद के द्वारा इनमें से किसी को भी प्रतिनिधि के रूप में हवन आदि कार्य करवाने से स्वयं को कर्म करने के सदृश ही फल मिलता है। अगर हम इन लोगों से अपने अनुष्ठान आदि में हवन पूजन करवाते हैं तो स्वयं के करने के बराबर ही हमें फल प्राप्त होता है। जी हाँ, परंतु इस संबंध में धर्मशास्त्र में और भी लिखा हुआ है। यहाँ धार्मिक ग्रंथ पुराण आदि आदेश करते हैं, भले ही उनके करने से हमें लाभ मिलता है, परंतु फिर भी अगर सामर्थ्यवान हैं हम और कर सकते हैं तो हमको ही धार्मिक अनुष्ठान आदि संपन्न करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में शास्त्र कहते हैं कि दूसरों के द्वारा 100 बार हवन कराने से स्वयं ही 1 बार हवन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिष्यों के द्वारा 100 बार हवन कराने से स्वयं का हवन करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो शिष्यों के द्वारा 100 बार हवन कराने की अपेक्षा पुत्र से 1 बार हवन करने से वह फल मिल जाता है, परंतु पुत्र से भी 100 बार हवन करवाने से जो फल आपको मिलता है वह स्वयं के 1 बार करने से मिल जाता है। इस संबंध में शंभु रहस्य में आगे और भी लिखा है, स्वयं यजति चेद्देवा मुत्तमा सोदरात्मजहि मध्यमा या यजेत भ्रत्यर रदमा या जनक क्रिया। देव पूजन स्वयं करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, भाई एवं पुत्रादि से कराना मध्यम फल प्रदान कराता है और नौकर से कराना अधम होता है, पूर्ण तरीके से निषेध माना गया है। इसीलिए धर्म का आदेश मानकर स्वयं ही यज्ञादिक धार्मिक अनुष्ठान आदि में कर्म को करना चाहिए और धार्मिक ग्रंथों का पुराण आदि का भी यही आदेश है, स्वयं का करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।